Z5 OTT पर मैंने देखी लंतरानी वॉल्यूम 1 लॉन्ग टेल्स। जी हाँ, ऐसा नाम रखने के पीछे उद्देश्य क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोडक्शन हाउस का नाम ही है, नाम में क्या रखा है प्रोडक्शन। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने नाम ऐसा रखा है कि सोच रहे हैं कि पब्लिक बहुत ज्यादा देखने आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका नाम लंतरानी होना चाहिए था। वैसे लंतरानी का मतलब होता है कि जो लोग अपनी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, बहुत शेखी बघाड़ते हैं, इस तरह की बातें होती है। तो यहाँ पर तीन कहानियां हैं, तीन कहानियों में कौन सी बेस्ट है उसके बारे में बताऊंगा और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहली कहानी जो इसमें दिखाई गई है, जिसे डायरेक्ट किया है कौशिक गांगुली ने, ये कहानी मऊ उत्तर प्रदेश की है और कहानी का टाइटल है, जो कहानी का नाम है हुड हुड दबंग। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कहानी पुलिस वाले की है, जॉनी लीवर है, और उसे एक मुजरिम को जो है कचहरी तक ले जाना है, और इस दरमियान बहुत कुछ घटता है उसे वहां पर दिखाया गया है। लेकिन इसका जो मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा, आर्टिकल 377 से जुड़ा हुआ है, जो LGBTQ को प्रोटेक्ट करती है, जो लोग इसे मानते हैं उनको मतलब की सम्मान देने की बात करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा होता है, जिसको लेकर के आपको मतलब एक अलग तरह की कहानी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जॉनी लीवर और जीसू सेन गुप्ता का काम अच्छा है, इसका एंडिंग बहुत ही जबरदस्त है, ये कहानी मुझे अच्छी लगी। इसके बाद दूसरी कहानी की अगर बात करें तो वो है COVID-19 से जुड़ी हुई। जी हाँ, COVID-19 के समय में बहुत लोग अपना स्वार्थ देख रहे थे। कुछ मकान मालिक जो है किराएदार पे रह रही लड़कियां, या फिर जो काम कर रही थी, जो किराया नहीं दे पा रही थी, उनके साथ वो किस तरह से मतलब चाहते थे कि अगर किराया नहीं देती तो किस तरह सेटिंग कर ले, ये भी एक एंगल है इसमें। लेकिन जो मेन एंगल है सैनिटाइज समाचार का, ये है कि इसमें एक न्यूज चैनल को दिखाया गया है जो कि एकदम बंद होने के कगार पर है, क्योंकि उसके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, और उसे एक स्पॉन्सरशिप मिलता है जो सैनिटाइजर बेचने का काम करता है, कोविनास। वो चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी जो लीड एंकर है, जिसे कोविड हो चुका है, जो घर पे बंद है, कोविड पॉजिटिव है, उसको ला करके शो किया जाए और इसका माल जो है खूब बिके, लोगों को बताया जाए कि किस तरह से उनका जो प्रोडक्ट है वो कोविड को खत्म करने में सहायक है। तो यहाँ पर भी एक लालच और स्वार्थ को दिखाया गया और मजबूरी को भी दिखाया गया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनका चैनल बंद हो सकता है। तो मुझे पर्सनली भास्कर हजारिका जो असम के हैं, उनकी ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका मामला जो है वो समाज से जुड़ा हुआ है, तो लोग इसको अपने आप से जोड़ करके देख सकते हैं। तीसरी कहानी जो है वो है धरना मना है। यहाँ पर आपको देखेंगे जितेंद्र कुमार और उनके साथ गोमती देवी के रूप में है निमिषा सैजियान। तो इन लोगों का जो कहानी है, ये कहानी गांव से है, बिहार के गांव से है, जहां पर पंचायत का इलेक्शन हो चुका है और यहाँ पर जो पंचायत बन चुकी है वो उनको अभी साइन करने को नहीं मिला है बाकी के चार पंचों से, क्योंकि उनको खाता खुलवाना है गांव के विकास के लिए। तो इसके लिए वो धरना देती है और बेरीपुर जगह का नाम है जहां पर जो चुनाव का न्यायालय है, जो पंच का न्यायालय है, वहां पर वो धरना देती है। लेकिन यहां पर आपको सबसे अजीब बात लगेगी कि इनका धरना जो है वो मौन होता है, यहां पर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तो यहां पर कुछ भी डायलॉग नहीं है इनके, और जो सपोर्टिंग कास्ट में है वो इन्हें हटाना चाहते हैं, और अंत में क्या होता है इसके लिए आपको एक कहानी देखनी पड़ेगी। तो तीन कहानियां हैं और मुझे लगता है कि इन लोगों का आइडिया है कि जैसे कि लस्ट स्टोरीज आई थी 10 कहानियां और जो घोस्ट स्टोरीज आई थी, उस तरह से कुछ कहानियों को लेकर के दिखाया जाए। और यहां पर तीनों कहानियां अच्छी है, लेकिन जो दो नंबर वाली जो कहानी है, मतलब कि जो सैनिटाइज समाचार है, वो मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो उसमें एक नयापन है। बाकी की जो दोनों कहानियां हैं, इस पर हमने बहुत सारी फिल्में पहले से देख रखी है, शॉर्ट फिल्म्स देख रखी है, तो यहां पर आपको कुछ भी नयापन नहीं मिलने वाला है। पर्सनली सैनिटाइज समाचार जो यहां पर विनर है मेरे हिसाब से। अब आपके ऊपर है कि आप जब इसको देखेंगे, इस फिल्म को, तो आपको कौन सी कहानी अच्छी लगेगी, ये आपके पर्सनल चॉइस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से लंतरानी वॉल्यूम 1 लॉन्ग टेल्स को मैं देता हूं 2.5 out of 5। ये कहानी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाम को देख करके लगा था, नाम को सुन करके लगा था कि कुछ इसमें अलग अलग तरह की कहानी होगी, लेकिन वही सब कुछ दिखा दिया गया है सिवाय एक कहानी के, इसलिए उस कहानी के आधार पर मैं उसे 2.5 देता हूं। बाकी इसका आगे का वॉल्यूम भी आएगा तो देखा जाएगा कि उसमें कितना सुधार करते हैं। फिलहाल अगर आपको ये लंतरानी वॉल्यूम 1 लॉन्ग टेल्स की मूवी की रिव्यू जो है अच्छी लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, टॉपिक, रिव्यू या फिर अपडेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।